हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ अमृतसर से गुरदासपुर का एक रूट। तो आज हम ट्राई करेंगे जो हमारा सेकंड एडिशन है, जो हमारा सेकंड सेक्शन है माइलेज का, अमेज पेट्रोल एसएमटी मेरे पास है, तो मैं आज आपके साथ सेकंड माइलेज टेस्ट करूँगा। तो गाड़ी ज़्यादातर चलेगी हाईवे पे और मैं ट्राई करूँगा कि इको मोड पे चलाऊँ गाड़ी, और चलते हैं फिर करते हैं ट्राई। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं अपना डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 96-97 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मेरे व्यूवर्स का कहना था कि आपने 20 की माइलेज, 20 अबाव माइलेज क्लेम करी है, निकाली है, तो एक्चुअली जो MID है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होते। मैं भी ये कहता हूँ कि इसमें कुछ एरर, कुछ परसेंट एरर हो सकता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि एरर्स कम होते जा रहे हैं। मैं आज की जो माइलेज आपको दिखाऊंगा वो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार मैंने 20 से भी ज्यादा निकाली है। एक्चुअली मैंने आपसे बात करी थी कि मैं इको मोड पे चलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ काम ऐसा था कि मुझे इको मोड से हटकर गाड़ी चलानी पड़ी। जो एवरेज स्पीड थी वो 90 के आसपास रही, गाड़ी 100 पे भी गई, 110 किलोमीटर की स्पीड पे भी, पर आर की स्पीड से भी गाड़ी चली है, कुछ रफ चली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने माइलेज निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का ट्रिप निकाला है। एक्चुअली एक जरूरी काम था तो गाड़ी इको मोड पे तो नहीं चली ज्यादातर। तो आज की माइलेज फिर भी मैं आपको बताऊंगा, काफी अच्छी माइलेज क्लेम करी है, तो मैं आपको दिखाता हूं। जी फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने टोटल मीटर मैंने ट्रिप कर दिया था। मीटर ए पे जो किलोमीटर्स है अप्रोक्सीमेटली 96.9 है, 97 मान के चल सकते हैं हम इसे। तो 97 किलोमीटर में जो रफ एंड टफ गाड़ी चली है विदाउट इको मोड, कोशिश ही नहीं की इको मोड पे चलाने की, तो यहाँ पे मुझे माइलेज मिला है 17। कुछ गाड़ी 5-7 किलोमीटर ट्रैफिक में भी चली है, 17.5 के आसपास माइलेज तब थी, लेकिन जो एवरेज माइलेज निकल के आया है वो है 17 किलोमीटर का पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का माइलेज मेरी प्रीवियस वीडियो से कम ही निकला है। काफी सारे फ्रेंड्स का ये कहना है कि हमारे पास अमेज CVT है, जो हमारे पास ऑटोमेटिक जो वर्जन है, वो काफी कम माइलेज क्लेम करते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखिए कि गाड़ी को इको मोड पे चलाने की कोशिश करिए, हाईवेज पे आपको CVT जो है 16-17 की माइलेज आराम से दे देगा अगर आप इको मोड पे चलाते हो, बड़े ध्यान से चलाते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये माइलेज कुछ कम ही मिलेगी। लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ही आप गाड़ी को प्रॉपरली सिंक करना जान लोगे तो अच्छी माइलेज निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आज का एक शॉर्ट सा रिव्यू माइलेज पे आपको कैसा लगा है, कुछ मेरे ख्याल से मेरे कुछ व्यूवर्स को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि इको मोड के बिना भी इतनी माइलेज निकल जाती है 17 के आसपास, या इससे भी ज्यादा निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इको मोड पे चलाता तो ये डेफिनेटली 19-20 के आसपास मुझे माइलेज देती। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एक CVT का वीडियो आपको मैं दिखाऊं, और उसमें जो पैडल शिफ्टर्स हैं उसके बारे में भी, काफी व्यूवर्स का, फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि पैडल शिफ्टर कैसे काम करते हैं, क्या है, उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ही दिनों में मैं वो भी अपलोड करूंगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।